हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं टिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो आज देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी डेली पिवट पॉइंट 25100, फर्स्ट रेजिस्टेंस 25274 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 25450, थर्ड रेजिस्टेंस 25624, द फर्स्ट सपोर्ट 24924 एंड द सेकंड सपोर्ट 24750 एंड द थर्ड सपोर्ट 245 एंड 74। और ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी चार्ट। तो यहाँ मैंने पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन दे के रखा हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यही रेंज में है। तो यहाँ से आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप में ओपन हुआ है, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। तो रीजन में आप देख सकते हैं एक चीज यहाँ पे, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे में है, डाउन रिट्रेसमेंट 200 का पास, फिर से तो फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा था उस दिन, लाइक फ्राइडे नीचे आया, फिर से आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए, फिर भी यहाँ से आप एक बात कॉन्फर्म कर सकते हैं, अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुआ ये, अभी तक मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, फिर भी ये आप देख सकते हैं अभी तक 200 को 50 ने क्रॉस नहीं किया, जो गोल्डन क्रॉस ओवर बोलता है। तो देखना पड़ेगा इसको क्रॉस ओवर करके मार्केट इधर ही रहता है या नहीं रहता है थोड़ा दिन के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मुझे लगता है ये जो हमें एक जोन मिला हुआ है, तो ये एरिया थोड़ा इसको थोड़ा बोल कर लेता मीडियम साइज। हाँ, तो ये जो एरिया एक मुझे तो लगता है ये तो थोड़ा मार्केट इधर ही अभी रुक मतलब मार्केट रुकने वाला है लगता है, जैसे एक रेंज है। तो यहाँ से यहाँ फिर ऐसा एक रेंज में मार्केट थोड़ा दिन मुझे लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि टोटली साइडवे की पैटर्न लिया हुआ है। तो फिर भी हम पहले देख लेता है ये 30 मिनट और हाफ एन आवर में अब क्या मतलब कैसा फॉर्म कर रहा है मार्केट का। तो अगर हम देखें तो इसमें 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट 4 आवर में तो डाउन ट्रेंड में ही है, और 4 आवर में एक मार्केट स्लीपिंग रेंज में है। तो लेकिन स्लीपिंग रेंज में है फिर भी एक यहाँ पे जो प्राइस एक्शन का मेथड रहता है, तो जैसे मैंने प्राइस एक्शन का मेथड में आपको दिखाऊं, तो प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले मार्केट नीचे आया था, राइट, उसका बाद फिर से ऊपर पुल बैक किया, लोअर लो जो ये लोअर लो था इसको ब्रेकआउट नहीं किया, ये लो इधर ही रुक गया, उसका बाद एक हायर हाई बनाया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हायर लेवल था तो इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हायर लेवल ब्रेकआउट किया, उसका बाद एक हायर लो बनाया 4 आवर में, जो पहले लोअर लो को ब्रेकआउट कर नहीं पाया, ये सपोर्टिंग रेंज था जो मैंने डाला था, यहाँ पे आया तो वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे देखेंगे तो वेब के हिसाब से 1 2 3 4 फिफ्थ वेव तो बनना चाहिए, तो फिफ्थ वेव के लिए मुझे लगता है यहाँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो जाना चाहिए, अराउंड 26316 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक तो करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर इसको ब्रेक आउट नहीं किया, जैसे आप देख सकते हैं 24920, अगर ये लेवल को अगर ब्रेकआउट कर नहीं पाता तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट हायर हाई बनाने का कोशिश करेगा यहाँ पे। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकता है, थोड़ा इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो ये हो गया 4 आवर। तो इसमें अगर हम देखें टाइम फ्रेम 30 मिनट, तो 30 मिनट का भी एक मैंने ले लिया, तो 30 मिनट में भी थोड़ा कंफ्यूज में है, जो पहले
जो पॉइंट था जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट में बनाया था ये हायर हाई हायर लो। उसका बाद क्या किया, लो पॉइंट था उसको ब्रेकआउट कर दिया, अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज में लगा हुआ है क्योंकि फिर से मार्केट 200 का ऊपर ओपन हुआ था, फिर से नीचे आ गया। तो अगर ये मार्केट ये 200 का आसपास अगर यहाँ पे जाके इधर रुक के फिर से वो हायर हाई लगाया बनाने का कोशिश करे तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का चांसेस है। तो भी हम एक बात देखेंगे यहाँ पे, अगर अभी 15 मिनट या 5 मिनट में आपको आज ट्रेडिंग के लिए कैसा ट्रेडिंग कर सकता है तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट, तो 5 मिनट में 200 का आसपास ही है। तो अगर बाय लेना है तो इसमें 5 मिनट में तो आपको देखना है इसका ऊपर ही लेना चाहिए, जिसे मैंने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा है 2549 2549 तक, तो यहाँ का ऊपर ही बाय लेना चाहिए। अगर सेल लेना है तो ये नीचे में जो रेंज है 2492 तो उसका नीचे ही सेल लेना चाहिए। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।